श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपां दे मामले विच अज अकाली दल डेमोक्रेटिक दा एक वफद श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मंग पत्र देण लई पुज्जा, जिथे उन्हां वल्लों मंग पत्र दिंदिआं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपां दे मामले विच दोषियों नूं सख्त तों सख्त सजावां देण दी गल कही है। इस मौके ते गलबात करदिआं जथेदार सेवा सिंह सेखवां अते श्रोमणी कमेटी मैंबर बीबी करणजीत कौर का कहना है कि इस मामले में खुद जांच कमेटी ने कबूलिया कि समा घट होने कारण जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो धर्म प्रचार कमेटी है उन्हें एक मता पास करके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को भेजा सी कि जेडे 328 पावन स्वरूप जेडे गुम होए ने उन्होंने जोड़ा गबन होया वो श्री अकाल तख्त साहब उन्होंने मुरजमान बनती सजा देन। असी अज लिखती तौर पर सारे मैंबर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को बेनती करके आए हैं कि यह विशा श्री अकाल तख्त साहब का नहीं, ये एक गबन का विशा है। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर किसी पर फैसला लवे, जिहड़ा मता उन्होंने भेजा गया है उन्होंने रद्द करके श्रोमणी कमेटी को भेज के ये कहा जाए कि यह फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप लवे। असीं ये एप्लीकेशन क्यों दे के आए हैं कि सानू खदशा है कि जिवें पिछले समय में श्री अकाल तख्त साहब से वापरिया है कि मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब के एग्जैक्टिव तो वो एग्जैक्टिव 2016 वाली जिन्हों श्री अकाल तख्त साहब तो जो अपने तनखा लाई गई सी कि उस ढंग ही जेडे ये गबन के दोषी ने उन्होंने भी कित इस तरह सजा ला के माफ़ ना कर दिता जाए क्योंकि ये माया इनवॉल्व आ बड़ी वही गिनती में इनवॉल्व आ जिमें कि जोड़ा एस एस कोहली एंड एसोसीएट कंपनी आ जिन्हें ऑडिट करना सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तीन चार कार्ज होर सी जिदे वाले जी 45 कमेटी ने रिपोर्ट दिती आ कि 75% जी उन्होंने पेमेंट हुई है वो वापस ले जाए जी टोटल पेमेंट हुई है वो 75% वो पैसे वापस ले जा क्योंकि उन्होंने जोड़ा कार्ज उन्होंने सौंपया गया से वो पूरा नहीं किया। जेड़े गुरु महाराज के स्वरूप 328 गायब होए ने उन्होंने वास्ते भी मुख्य दोषी वो आ जे कि समय ना ऑडिट होंदा ते शायद ये जो स्थिति बनी आ ये स्थिति ना बन। सो असी सानू यह खदशा सी कि किते उन्होंने भी ये प्रधान साहब तो एग्जैक्टर वालों को यह तनखा ला के तो कित छड ना दिता जाए तो आने वाले समय में भी फिर जे अजिहा वापरदा है असी खदशा याद किया अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को खदशा है कि जे तुसी इन्हां नूं माफ़ कर देंदे हो तो फिर आने वाले समय में जेड़े गबन करन वाले आ खुल दिली नाल गबन करनगे कि कोई गल नहीं चार दिन पाठ कर लैना जां सेवा कर लैना माफ़ी मिल जाती आ तो जिन्ना मर्जी आ इत्थे गबन श्रोमणी कमेटी च कर लो। सो इन्हां गल्लां नूं रोकण वास्ते अज असीं अकाल तख्त साहब दे जथेदार जी नूं बेनती कीती। जथेदार साहब ने की किया जी उहदे बारे? जथेदार साहब जी ने सानू भरोसा दवाया कि मैं तुहाडी एप्लीकेशन ते गंभीरता नाल विचार करांगा उहना सानू भरोसा। सेखवां साहब जिहड़ी रिपोर्ट ईश्वर सिंह कमीशन ने पेश कीती है तुसीं उस रिपोर्ट तो संतुष्ट हो? असीं पूरे ते संतुष्ट नहीं इस करके कि जिन्हां ने रिपोर्ट दिती आ उन्हां ने भी अपनी ये गल कही आ कि साडे कोल टाइम थोड़ा सी असीं ये रिपोर्ट जी पूरी नहीं कर सके उन्होंने कहन मुताबिक भी तो वह रिपोर्ट पढ़ने तो बाद भी असी भी यह गल महसूस कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट जी अधूरी है। और मैं सी ये भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को बेनती की
कि जिहड़ी कुछ दिन पहला इत्थे एक मीटिंग हुई आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अकाली दल बादल के प्रधान अकाल तख्त साहब के जथेदार जी की भी मीटिंग हुई है। असी उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा आ कि जिहड़े एडवोकेट वेरका के बयान ने उन्होंने बयान तो बाद जो रिपोर्ट करने वाले ने अपनी फाइंडिंग दी आ कि बादल परिवार ये वास्ते दोषी आ। सो असी इन्हों भी बेनती की आ कि योजे जड़े इस रिपोर्ट में दोषी करार दते आ असी सिंह साहब जी तुहानू बेनती करने आ कि उन्होंने मीटिंग ना की जाएगी चाहिए जी जे कार्रवाई इतों करते ही ने जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी बनती है वह होनी चाहिए है। जेड़ा भी देखो एक गल बड़ी स्पष्ट है कि जी रिपोर्ट आई है तुहाडे कोल भी सारे को क्योंकि PDF से सारे हैगी भी होएगी जेडे गुरु महाराज के स्वरूप जिमें हूँ प्रधान SGPC कहते कि कोई बेअदबी नहीं हुई लेकिन उस रिपोर्ट के जड़िया स्टिल फोटोग्राफ्स लगिया ने उत्थे गुरु महाराज के जोड़े अंग ने वो पाटे हुए थले भुंजे पे हुए विखाए गए तो फिर किमें बेअदबी नहीं हुई। सो इस करके रिपोर्ट जी भी अजे अधूरी आ असी यह भी बेनती करने अकाल तख्त साहब से जथेदार जी कि अजे तक तो यही नहीं पता लगा कि वह 328 स्वरूप है कितने ने किन्ने दिते ने किनू दिते ने कि गिनती च दिते आ कि कहते दिते आ कितने पे आ किस अवस्था में आ अजे तो यह भी गल जी वो सामने नहीं आई। सो ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने 27 तरीक की जिहड़ी अंतरिम कमेटी की मीटिंग है उहदे च कहा सी कि फलाने फलाने बंदे जिन्हां ने यह गबन किया जिन्हां वड्डी गलती की आ उन्हां दे खिलाफ असी FIR जिहड़ियां उह अपने दर्ज करावांगे लेकिन अगली 5 तरीक की मीटिंग उहदे तों मुकर गए और हुण भी उहदे तों बाद भी यह गल किसे बंदे लगी नहीं। असी 15 मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े हुण मौजूदा मैंबर आ असा नोटिस भी दिता आ श्रोमणी कमेटी नूं कि इन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करो जे वह कार्रवाई नहीं करते उस अपने समा जिहड़ा सी उहनां नूं दिता आ फिर असी आप जिहड़ी आ कार्रवाई सीधे तौर ते करांगे। इस मामले च पंचों नूं छेक देना चाहिए किसी ना किसी ने जिहड़े गबन करन वाले ने। देखो ये श्री अकाल तख्त साहब का पैरोवेटिव आ मैं थोड़ा कह सकना भी तुम फलाने भी छेक दो उन्होंने सेखवा साहब तुहाडे नाल मैंबर कौन सीगे मैं जिहड़ी गल कर रहा जी मैनूं पूरी करना सेखवा साहब पंच च रहिण दे हकदार हैगे ने जिन्होंने गुरु साहब नूं वेचिआ बिलकुल पंथ च रहिण दे हकदार नहीं इहदे तों वड्डा होर गुनाह किहड़ा हो सकदा जदों असीं तां पहलां ही रौली पाउंदे सां कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी च जिन्नी करप्शन आ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जिहड़ा एक गबन दा या करप्शन दा केस है वह अकाल तख्त साहब ते नहीं विचारिया जाना चाहिए और जथेदार जी नूं यह मंग रद्द करदिया होया श्रोमणी कमेटी नूं ही यह जिम्मेवारी निभाउण दे आदेश करना चाहिए। इस गबन दे केस श्रोमणी कमेटी के एग्जैक्टिव ज बादल परिवार से दोष लग रहे हैं जी आप हम मुलाजमान बारी जो इन्होंने कहा भी मसाली इन्हों सजाव सुनाई जान असी यह हाथ का नारा मारिया जो एग्जैक्टिव माफी मांगने आए थे उदो क्यों नहीं इन्होंने कहा गया क्योंकि वो भी इन्हें शामिल ने माफी दवाई। सब तो पहली गल ये है कि अकाल तख्त साहब के ऊपर
तनखा लाई जाती है जो एक धार्मिक परंपरा है, सजा नहीं लाई जाती। सो बाकी जो जथेदार साहबान ने और मैंबर साहबान ने किया मैं ओदे ऊपर कोई कमेंट दे नहीं सकती क्योंकि मैं ना समझ जदो स्थिति होएगी।